लता मंगेशकर ने गीत गाना बहुत छोटी उम्र में शुरू कर दिया था। वह उनके पिता ही उनके गुरु थे। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर स्वयं गीतकार थे। वह उनका एक ड्रामा क्लब भी था। पिता का निधन छोटी उम्र में होने के बाद लता ने मात्र 13 वर्ष की आयु में पूरे परिवार का बोझ अपने नन्हे कंधों पर उठा लिया था। उन्होंने फिल्मों में अभिनय व गाना गाना शुरू कर दिया था। लता ने बॉलीवुड में पहली फिल्म 1943 में की थी, जिसका नाम था बड़ी माँ। उन्हें एक छोटा सा रोल भी मिला और एक गाना भी मिल गया था, और मिल गई एक सहेली नूरजहां। पर लता जब 80 वर्ष की हुई तो उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि उनके करियर को पंख लगे राज कपूर व नरगिस की फिल्म बरसात के बाद, जो 1949 में रिलीज हुई थी। ये वो दौर था जब फिल्मों में हर हीरोइन की आवाज लता मंगेशकर हुआ करती थी। उस समय में गीता रॉय को छोड़कर बाकी सभी गायिकाएं जैसे शमशाद बेगम, जोराबाई अंबाला वाली, पारुल घोष, आमिर बाई कर्नाटकी, सभी उनके रास्ते से हट चुकी थी। पहले पहले कहा जाता था कि लता मंगेशकर गायिका नूरजहां की नकल करती है, लेकिन बाद में उन्होंने गाने की अपनी एक अलग शैली विकसित कर दी थी। उन्होंने अपने करियर में हिंदी फिल्मों में हर तरह के गाने गाए हैं, वो चाहे प्रेम गीत हो, कविता हो, गजलें हो या तानों पर थिरकते बोल। उन्होंने धीरे धीरे खुद को इतना सक्षम कर लिया था कि अब वो हर फिल्म का हिस्सा हो गई थी। उनकी आवाज़ की चाहत का पता इससे लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री नेहरू उनके गीत सुनकर भाव विहीन हो जाते थे। में जब ऑल इंडिया रेडियो पर फिल्मी गाने चलाना मना था, तो पूरे देश ने गोवा रेडियो पर उनका गाना आएगा आने वाला सुना था। लता जी ने बहुत से गायकों के संग गाने गाए हैं, पर मोहम्मद रफी और उनके गानों को जनता ने खूब सराहा है। हालांकि एक दौर वो भी आया था जब रफी साहब और लता दीदी ने 4 साल तक एक दूसरे को बॉयकॉट कर दिया था, और मामला यूं उलझा कि पूरा भारतीय संगीत जगत दो खेमों में बन गया था। और ये दौर था 60 के दशक का, और सभी दिग्गज नाम जैसे मुकेश, तलत मोहम्मद, किशोर कुमार और मन्ना डे लता दीदी की तरफ थे, और रफ़ी जी का साथ दे रही थी आशा भोसले जी। फिर ये दौर भी छक गया जब सचिन देव बर्मन ने दोनों की सुलह करवा दी थी। लता मंगेशकर ने 36 से अधिक भारतीय भाषाओं और कुछ विदेशी भाषाओं में भी अपने गाने रिकॉर्ड करवाए हैं, जिनकी संख्या लगभग 30,000 से भी अधिक है। लता ने अपना करियर 40 के दशक में शुरू किया था, और तब से लेकर अपने अंत समय तक उन्होंने वही काम किया है जो उन्हें बखूबी आता है। फिर वो चाहे 80 के दशक का शीशा हो या दिल हो, या फिर 2019 में रचित गीत सौगंध मुझे इस मिट्टी की हो। लेटर्स आते हैं जिसमें लिखा हुआ होता है कि हम आपको देखना चाहते हैं, आपकी आवाज़ सुनते हैं, आपको सिर्फ आपके पांव छूना चाहते हैं या और भी कुछ,
तो आज तक जो मुझे मिला ये प्यार, ये बहुत बड़ी बात है। किसी ने ये नहीं कहा कि आपका गाना सुन के हमको मन करता है कि आपको एक लाठी मारें, ऐसा किसी ने नहीं कहा। 1987 में भारत सरकार द्वारा उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया था और 2001 में राष्ट्र ने उनके योगदान के लिए उन्हें भारत रत्न से भी नवाजा था। लता दीदी ना केवल भारत बल्कि फ्रांस में भी काफ़ी मशहूर है। इसका एक उदाहरण है कि 2007 में उन्हें लीजन ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया था। फॉर मोर सच कॉन्टेंट प्लीज़ डू फॉलो एंड सब्सक्राइब SSG मीडिया।